बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सोशल इशू, चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज किसे कहते हैं? एनी फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्रेसिव एक्ट इन एडिशन टू नेगलेक्टफुल एटीट्यूड्स बाय पेरेंट्स, गार्डियंस और एनी अदर पर्सन। किसी भी बच्चे पे आप फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल कोई एक्ट ऐसा करें, ये तो ये, और सेकेंडली क्या है, नेगलेक्टफुल जो एटीट्यूड होता है पेरेंट्स की तरफ से, गार्डियंस की तरफ से या किसी भी इंसान से, इसको बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज की डेफिनेशन है। हमारे पास डिफरेंट तरह के अब्यूज हैं, टाइप्स ऑफ अब्यूज। हमारे फिजिकल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट खैर फिजिकल अब्यूज वो होता है कि बच्चे के सामने कोई स्पाउस अपनी बेगम को मार रहा होता है, दैट इज इनडायरेक्ट फिजिकल अब्यूज। डायरेक्ट फिजिकल अब्यूज होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, खुद उन बच्चों पे हाथ उठाया जाता हो घरों पे या स्कूल पे, ये होता है फिजिकल अब्यूज, ये डायरेक्ट फिजिकल अब्यूज है बेसिकली। सेकेंड है वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। आप देखते हैं जहां पे चाइल्ड लेबर काम कर रही है उनको गालियां भी दी जाती हैं, उनको अजीब से अल्फाजों से याद किया जाता है, ये वर्बल अब्यूज है। थर्ड है, या उनको आप ऐसे नाम दे दें बुरे से, इमोशनल अब्यूज। जब घर पे पेरेंट्स या कोई हॉस्टल में लोग बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन करें, एक तो ये चीज, हर चीज में कहां जा रहे हो, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, आप उनके सबके दोस्त कहीं जा रहे हैं तो वहां पे रोकना, हर चीज पे रोक टोक, ये स्ट्रिक्ट सुपरविजन। या फिर सजा के तौर पे बच्चे को किसी क्लोजेट के अंदर या डार्क रूम के अंदर बंद कर देना, ये भी एक इमोशनल अब्यूज है। यहाँ पे इनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना वो रुक जाती है। फोर्थ है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट करना फिजिकल एक्टिविटीज को, मतलब फिजिकल नीड्स को, फिजिकल नीड्स पे रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर वगैरह जो आपके पास है, ये नेग्लेक्ट है, फिजिकल नेग्लेक्ट कहते हैं। आप इमोशनल नेग्लेक्ट करें, उनसे टाइम ना दें, उन्हें प्यार ना करें, उनसे बातें ना करें, इमोशनल नेग्लेक्ट है। तो नेग्लेक्ट करना भी एक अब्यूज है। डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के बीच में ही या खानदान के बच्चों के बीच में ही कोई डिस्क्रिमिनेशन करना, एक बच्चे को आप उठा के फॉरेन भेज रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दूसरे बच्चे को बोल रहे हो हमारे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है आप, या फिर आप एक काम वो कर रहे हैं कि लड़की पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, इसने शादी करके चले जाना है, और बेटे पे पैसा इतना खर्च करेंगे इससे हमारा खानदान का वारिस ही होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसकी वजह से बच्चे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। सेक्सुअल अब्यूज, क्लोज मेंबर्स ऑफ फैमिलीज आर इन्वॉल्व। देखें ऑल दो फैमिलीज, देखिए हमारे पास ऐसे केसेस सामने आए, ऐसे रिसर्च स्टडी सामने आई है कि जो सेक्सुअल अब्यूज है ना, तो पहली दफा अगर किसी छोटे लड़के लड़की ने किसी ने फेस किया है तो उसमें ज्यादातर लोग फैमिली के ही, मतलब खानदान वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लोज मेंबर्स ऑफ फैमिलीज आर इन्वॉल्व। या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन जो है हमारे पास, हमारे मुल्क में जो रेट आया था, उस चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में हमें पता चला 7 से 16 साल के लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां, ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अंदर फोर्सफुली शामिल किए गए थे। थ्योरीज, तीन तरह की थ्योरीज हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी बात करती है कि बिहेवियर्स सीखे जाते हैं, एक सोशली कंस्ट्रक्शन होती है बिहेवियर की। वो बच्चा जो बचपन से चाइल्ड अब्यूज का शिकार है, वो बड़ा होकर आगे भी उसी तरह का एटीट्यूड उसने बचपन से फेस किया है वही इमिटेट करेगा, उसी ऑब्जर्व करेगा और उसी दोबारा रिप्ले करेगा। ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। चिल्ड्रन हु फेस अब्यूज और ऑब्जर्व इट आर मोर लाइकली टू अब्यूज अदर्स इन फ्यूचर। जो उसने खुद फेस किया है वो आगे जाके फ्यूचर में दूसरों से भी इसी तरह बच्चों से ये चाइल्ड अब्यूज ही करेगा। इसको बोलते हैं कॉल्ड लर्न्ड एग्रेशन और साइकिल ऑफ वायलेंस। साइकिल ऑफ वायलेंस हुआ ना, लर्न एग्रेशन, उसने एग्रेशन जो उसके साथ किया गया उसने वो सीखा, या फिर साइकिल ऑफ वायलेंस जो उसके साथ हुआ वो ही आगे करेगा। तो मेरे साथ भी तो ये हुआ था और आगे उसने वही किया। सेकेंड है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी, जब माँ बाप और बच्चों का एक वीक बॉन्ड होता है तो उनकी अटैचमेंट बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। वीक एंड इनसिक्योर अटैचमेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। फिर उसके बाद क्या होती है फीलिंग, किस तरह की होती है, फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस, आपको लगता है कि हम कॉम्पिटेंट ही नहीं है, अनवर्दीनेस, थ्रेट होता है आपको, रिजेक्शन आपको मिलती है, आपको एक डर रहता है। तो इसको बोलती है अटैचमेंट थ्योरी। बोले जितना कमजोर बॉन्ड होगा माँ बाप और बच्चों के बीच में, उतना ही आप चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है, कि उनको लगता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, अनवर्दी हूं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी बोलता है कि वो पेरेंट्स जो कि अपनी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं
कि बाप ऑफिस जा रहा है, बिजनेस टूर में जा रहा है, मदर केटी पार्टीज इंजॉय करी हैं, सोशल गैदरिंग्स इंजॉय करी हैं, या फिर खुद जॉब करी हैं। तो बोलते हैं कि इस टाइम पे क्या होता है, ऐसे पेरेंट्स जो खुद बहुत ज़्यादा बिजी होता है, वो होता है लेस लाइकली टू इन्वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, वो टाइम और रिसोर्सेज कम, उनको पता ही नहीं चलता बच्चे को क्या ज़रूरत है, ना उनको वक्त देते हैं। ब्रीफ कॉस्ट आउटपुट्स बेनिफिट। और एक और चीज़ होती है, रिसोर्सेज अगर कोई पेरेंट्स नहीं भी लगाते किसी बच्चों पे, उनको लगता है कि यार मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ इसका बेनिफिट मुझे उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उतना पैसा लगाते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल दें, वही लड़की बात करूं कि लड़की शादी करके चली जाएगी, इस पे इतने लाखों रुपए का लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, आगे जाके जॉब करेगी तो ससुराल में ही करेगी। अजीब सी बात है। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, कोई डिसेबल्ड चाइल्ड हो तो बोलते हैं यार इस पे इतना पैसा लगाए, लेकिन डिसेबल्ड है, फिजिकली या मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है, तो उस पर हम लोग पैसे लगाए लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये है इन्वेस्टमेंट थ्योरी बात करते हैं। कासूर स्कैंडल पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा स्कैंडल अगर हम लोग बोल रहे हैं चाइल्ड अब्यूज के लिहाज से। ठीक है, ये 2006 से 2015 के बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी, कहाँ पे, हुसैन खान वाला विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कासूर। कासूर विलेज के अंदर एक हुसैन खान वाला विलेज है, जैसे इसीलिए हम लोग इसे कासूर स्कैंडल कहते हैं, जहां पे 300+ 300 से ज्यादा बच्चे और बच्चियों को फोर्स किया गया था सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई थी। उसमें हर तरह के बुरे काम जो सेक्सुअली होते हैं वो सारे रिकॉर्ड करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे भेज दिए गए थे, जिसपे इतनी ज्यादा इनकम आई थी। ये देख ले, चाइल्ड ये क्लिप सारे सोल्ड कर दिए गए चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब ये इंसिडेंट ये चीजें पकड़ी गई, तो पता चला, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट खुद इससे इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल बड़े बड़े फिगर्स इसके इन्वॉल्व थे इसके अंदर। इस पूरी चेन चल रही थी, क्योंकि पॉर्नोग्राफिक जो बिजनेस है ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इतने ज्यादा इनकम जनरेट करता है, और इसके अंदर इतनी ज्यादा इनकम हो रही थी इनकी कि ये लोग इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे। और उसके बाद क्या हुआ, आपकी जुडिशरी बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, लेकिन इसका कोई आउटकम आज तक नहीं आया। इसके पीछे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी फिगर्स इसके अंदर शामिल थी। ऑब्वियसली कौन हाथ डालेगा ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, कौन पुलिस की बात में, पॉलिटिकल फिगर्स इतनी बड़ी बड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, कौन हाथ डालता है इसमें। तो ये कहा गया, चीजें दब गई। वो बोलते हैं ना कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। हबीब जालिब की अगर बातें पढ़ लें उस दौर पे उन्होंने की, तो आज भी वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।